Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Mansi and I really hope you all are doing great. So no intro, no outro because it's a get ready with me. And मैंने इतनी जल्दी जल्दी मेकअप किया है कि मेरे पास ब्यूटी शॉर्ट्स देने तक का टाइम नहीं था, मेरे पास फ़ोटो खींचने का तक टाइम नहीं था. सो या दिस इज़ द लुक, अ वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक विच आई एक्चुअली वोर इन अ पार्टी. एंड या सो जस्ट गेट रेडी विथ मी एंड आई रियली होप कि आपको ये मेकअप लुक बहुत ज़्यादा पसंद आए. एंड या दैट्स दैट. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. तो सबसे पहले मैंने वेयर किया है लेंस. सो इट्स इन शेड ग्रे एंड इसको मैंने अपनी आईज में लगा लिया था. एंड देन मैंने स्टार्ट किया स्किन केयर से. तो मैंने अपना फेस पहले ही वॉश कर रखा था तो मैंने यूज़ किया उसके बाद बायोटिक का बायो क्यूकम्बर टोनर. एंड इससे मैं पूरे फेस को मैंने वाइप कर लिया प्रॉपरली यूजिंग अ कॉटन पैड. इससे आपके जितने फेस में गंक रहता है वो भी निकल जाता है एंड आपके पोर्स भी क्लोज हो जाते हैं. एंड उसके बाद मैंने लिया है प्लम का हाइड्रेटिंग मिस्ट. ये काफ़ी अच्छा है फॉर जस्ट मॉइस्चराइजिंग योर फेस. एंड उसके बाद मैंने लिया है विटामिन सी सीरम बाय गुड वाइब्स. एंड इसके 3 ड्रॉप्स लिए मैंने एंड रब किया है एंड अपने फेस पे अप्लाई कर लिया. पहले मैं ये गलती करती थी कि डायरेक्ट ड्रॉप्स मैं अपने फेस में लेती थी एंड देन मैं उसको रब करती थी. दैट इज़ अ रॉन्ग वे. अगर आप अपने हाथ में लोगे एंड उसको थोड़ा सा वार्म अप करके अपने फेस में टैप कर करके लगाओगे ना, इट्स गोना वर्क परफेक्ट. एंड उसके बाद मैंने लिया है प्लम का मैट मॉइस्चराइज़र है ये. तो मैंने इसको अपने पूरे फेस में एंड नेक में भी मैंने अप्लाई किया है. इसको मैं भी डैप कर रही हूँ ताकि ये अच्छे से मेरी स्किन के अंदर सिंक इन हो जाए. एंड देन मैंने लिया है वेट एंड वाइल्ड फोटो फोकस प्राइमो. एंड इसको अपने टी जोन एरिया पर फोकस करते हुए अपने पूरे फेस में मैंने स्प्रेड किया है. बाय द वे आई वॉज वेयरिंग अ रेड गाउन जिसमें मैं अपनी आईज़ थोड़ा म्यूटेड रखूँगी बट अपने लिप्स को बोल्ड रखूँगी. सो या नेक्स्ट मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का नहीं है, ये NYB की जो मेरे पास कंसीलर कलर करेक्टर स्टिक थी ना छोटी सी, अगर आपने पहले वीडियो में देखा होगा तो वो मेरे से टूट गई थी. तो मैंने उसको मेल्ट करके ये एक छोटा सा कंटेनर था ब्लू हेवन का उसमें डाल लिया है. एंड आई एम गोइंग टू जस्ट कवर आउट माय डार्क सर्कल्स क्योंकि बहुत गंदे वाले डार्क सर्कल्स हो गए हैं. एज यू कैन सी मैंने अपने आई लाइन में भी अप्लाई किया है क्योंकि मेरे आई मेकअप बोल्ड नहीं होने वाला, काफ़ी न्यूट्रल होने वाला है तो कंसीलर से इतना ज़्यादा कवर नहीं होता. तो इसलिए मैंने अपने आई लाइन में भी थोड़ा सा ऑरेंज करेक्टर अप्लाई किया था. एंड देन मैं उसको बहुत लाइटली सेट करूँगी यूजिंग फिट मी कॉम्पैक्ट पाउडर. एंड एज यू कैन सी आई एम सेटिंग इट. एंड देन मैंने लिया है फाउंडेशन फिट मी एंड सुपर स्टे को मिक्स करके. आई लव द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ देम. सो या मैंने इसको अप्लाई कर लिया पूरे फेस में एंड नेक में भी. नेक को बिल्कुल मत भूलिएगा. एंड देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको मैंने ब्लेंड कर लिया है. ब्यूटी ब्लेंडर से काफ़ी ज़्यादा एयर ब्रश लुक आता है, दैट्स वाई आई लव यूजिंग ब्यूटी ब्लेंडर. तो पहले मैं पागल थी ब्रश के लिए बट जब मैंने ब्यूटी ब्लेंडर धीरे धीरे चालू करा है यूज़ करना, आई एम इन लव विद दैम. सो या मैंने यहाँ पर मिनीसो का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ किया है इफ़ यू वॉन्ट. सो मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. अपने आईलिड्स में भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लिया था मैंने और मैंने कंसीलर यूज़ नहीं किया है, मैंने वही फाउंडेशन का जो कॉम्बिनेशन था उसको मैंने अपने अंडर आइज़ में अप्लाई कर लिया है. अगर आप चाहते हो तो आप कंसीलर भी यूज़ कर सकते हो. मेरे हाथ में गलती से ज़्यादा फाउंडेशन आ गया था तो मैंने बोला लेट्स जस्ट स्किप द कंसीलर एंड अप्लाई इट एज अ कंसीलर. फाउंडेशन को ही कंसीलर की तरह अप्लाई कर लूँ. एंड देन मैंने सेट कर लिया अपने फेस को यूजिंग फिट मी कॉम्पैक्ट. मैंने स्पेशली थोड़ा एक्सेस पाउडर अपने अंडर आइज़ में लगाया था एंड अपने आईलिड में लगाया था विथ अ स्पंज. मेरे को बहुत ज़्यादा सर्दी हो गई तो सॉरी एक्सक्यूज मी फॉर माई वॉइस. थोड़ी सी क्रीजिंग आ गई थी मेरे अंडर आइज़ में तो मैंने पहले ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड किया एंड देन अगेन मैंने अप्लाई कर दिया विद अ स्पंज. अगर आपके साथ भी ऐसा हो कि थोड़ी क्रीजिंग आ गई है आपके अंडर आइज़ में तो ऑलवेज एंड ऑलवेज फर्स्ट यूज़ अ ब्यूटी ब्लेंडर टू जस्ट ब्लेंड इट एंड देन अप्लाई द पाउडर. एंड नेक्स्ट मैंने एक फ्लफी ब्रश में लेकर पाउडर को पूरे फेस में डैप डैप करके अप्लाई किया है. मैंने सर्कुलर मोशन में या रब ऑफ करके नहीं किया क्योंकि अगर आप रब करोगे ना पूरा जितना भी फाउंडेशन है ना वो उठने के चांसेस होते हैं ब्रशेस से. सो या मैंने फिर अपने नेक में भी वही पाउडर को अप्लाई कर लिया है. एंड देन मैंने अपने जितना भी अंडर आइज में पाउडर लगाया था उसको हटा दिया था क्योंकि ज़्यादा ड्राई हो जाता. नेक्स्ट मैंने लिया वेट एंड वाइल्ड का सेटिंग स्प्रे फिडी नेचुरल
एंड इससे अपने पूरे फेस को मैंने सेट कर लिया है। ये मेरा पहला टाइम है जब मैंने इसको यूज़ किया है एंड इसके बाद भी मैं यूज़ करूँगी। नेक्स्ट मैंने दिया है सेम अनस्तासिया की ब्राउ पेंसिल, दिस इज इन द शेड ब्राउन, एंड इससे मैं अपनी ब्राउज को फिल इन कर लूँगी। ये ब्राउ पेंसिल मुझे काफ़ी 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 ज़्यादा पसंद आई। लिटरली आई एम गोइंग टू स्किप दैट ब्लैक पाउडर फ्रॉम नाउ, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस ब्राउन कलर क्योंकि इतना परफेक्ट मैच है ना ये मेरे ब्राउज के लिए। इवन माय फेस लुक काफ़ी ज़्यादा सुंदर विद दिस ब्राउ कलर। सो या मुझे काफ़ी पसंद आई ये पेंसिल है एंड आई वुड हाईली सजेस्ट एवरी सिंगल पर्सन हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो टू गो एंड बाय दिस। इट्स अ बिट कॉस्टली आई नो बट इट्स अमेजिंग। नेक्स्ट मैंने लिया है हुडा ब्यूटी का आई शेडो पैलेट एंड इसको पहले मैं अपने क्रीज में मैंने अप्लाई करा है सैंडलवुड शेड और उसके बाद में कौन सा शेड था मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है बट या मैंने वो दोनों शेड को मिक्स करके अपने क्रीज में पहले अप्लाई किया एंड देन वो जो डार्क शेड था उसको मैंने अपने आउटर कॉर्नर्स में ब्लेंड किया है इन सर्कुलर मोशन। देन मैंने ले लिया है शेड कोको इन अ फ्लैट ब्रश एंड इसको सिर्फ मैं आउटर कॉर्नर में डैब कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा कलर नहीं चाहिए, ज़्यादा डार्कनेस नहीं चाहिए। सो या दैट्स दैट। एंड देन मैंने ले लिया है ब्लैक कलर एंड उससे मैं एक स्मोकी आई लाइनर ड्रॉ करने वाली हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है स्मोकी आई लाइनर पर्सनली मुझे। सो या आई एम गोइंग टू जस्ट ब्लेंड एंड स्मज इट विथ एन एंगुलर ब्रश। यू कैन इवन यूज़ अ स्मजर ब्रश फॉर दिस एंड या दैट हाउ आई एम डूइंग इट। नेक्स्ट मैंने ले लिया चीक एंजल पैलेट बाय एस्फार एंड इससे पहले अपने फेस को मैं कॉन्टोर कर लूँगी विद द ब्राउन शेड प्रॉपरली। मैं अपर डायरेक्शन में पहले ब्लेंड करूँगी एंड अपने एप्पल ऑफ द चीक को थोड़ा सा रिफाइन करूँगी बाय जस्ट टेकिंग माई ब्रश अराउंड दैम एज यू कैन सी। एंड अपनी नोज को भी कॉन्टोर किया है मैंने, अपने जॉलाइन को भी कॉन्टोर किया एंड फोरहेड को भी। मैंने पता नहीं क्यों वो पार्ट शूट नहीं किया। सो या उसके बाद मैंने ब्लश लिया है जो आपने देख लिया है शेड कौन सा लिया है एंड इसको अपने एप्पल ऑफ द चीक से लेकर अपने बोन तक ले जा रहा हूँ। बैक में जो बोन है ना मेरे फेस के, क्या बोले यार इसको, जो एकदम आई के पास जो बोन होती है ना वहाँ तक मैं ले गई हूँ ब्लेंड करते हुए। मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ही अप्लाई कर लिया था एंड देन मैंने ले लिया है वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाइलाइटर एंड इसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ अपने हाईएस्ट पॉइंट में, लाइक फेस के हाईएस्ट पॉइंट्स में। एंड मुझे थोड़ा सा म्यूट करना था उसको तो मैंने अपना ब्यूटी ब्लेंडर उस पर डैब कर लिया ताकि थोड़ा सा हाईलाइट कम हो जाए। एंड देन मैंने अपने क्यूपिड बोज में टिप ऑफ द नोज एंड ब्रिज ऑफ द नोज में भी अपने फिंगर के हेल्प से लगा लिया। नेक्स्ट मैंने लिया ये न्यू आईलाइनर है बाय लैक्मे आइकॉनिक एंड इसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ। एकदम थिन लाइन ड्रॉ कर रही हूँ एंड हल्का सा विंग निकालूंगी। मुझे ज़्यादा ड्रामेटिक नहीं चाहिए था आईलाइनर क्योंकि मुझे वो स्मजनेस दिखाना था। सो या मैंने बहुत थिन आईलाइनर ड्रॉ किया है एज यू कैन सी इन द वीडियो। इनर कॉर्नर से भी थोड़ा सा मैं ले गई हूँ ताकि वो लाइन इनकम्प्लीट ना लगे एंड या दैट्स दैट। आईलाइनर लगाने में आप थोड़ा टाइम लगा सकते हैं, नो वरीज, बट अच्छा आईलाइनर लगाओ। नेक्स्ट मैंने लिया है HR का सॉफ्ट कोल काजल, ये वाटरप्रूफ है एंड रियली रियली अमेजिंग काजल। तो मैंने इसको अपने वाटर लाइन के थोड़ा सा नीचे भी अप्लाई किया है एंड देन मैंने थोड़ा सा स्मज कर लिया था विथ सम आई शेडो बट अगेन मैंने वो वीडियो पार्ट नहीं लाया। एंड जब मेरा मेकअप हो गया था मैंने उसके बाद उसमें ग्रीन काजल लगा लिया था बिकॉज आई फेल्ट कि वो ज़्यादा अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा विद ड्रेस। तो या उसके बाद मैंने लिया मेबेलिन हाइपरकर्ल मस्कारा एंड इससे मैं अपने लैशेस को कोट कर ले रही हूँ। एंड देन मैंने लिया क्लीन क्लीन लिप लाइनर इन द शेड डीप मरून एंड इससे मैं अपने लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ एज यू कैन सी इन द वीडियो। आप अपने लिप्स का नेचुरल शेप फॉलो करके ही अपने लिप्स फिल करें। एंड देन मैंने लिया मिनीसो की वेलवेट मैट लिक्विड लिपस्टिक विच इज़ इन द शेड बीट रेड एंड इसको मैं अच्छे से अपने लिप्स में अप्लाई कर लूँगी। एंड जब पूरा लिपस्टिक एंड पूरा फेस मेकअप मेरा फिनिश हो गया था मैंने उसके बाद यूज़ किया था फिर से सेटिंग स्प्रे एज आई टोल्ड। ये एकदम इंश्योर कर देगा कि आपका मेकअप इधर से उधर ना हो। एंड देन मैं अपने इनर कॉर्नर्स में हाइलाइटर लगाना भूल गई थी सो मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर अपने इनर कॉर्नर्स में लगाया है सेम वेट एंड वाइल्ड वाला। एंड एक्चुअली
मैं अपने ब्राउ बोन्स में भी लगाना भूल गई थी, बट मैंने वहाँ पे अप्लाई ही नहीं किया। वाओ आई एम अमेजिंग ना। एंड ये फाइनली मैं अपने पूरे फेस को ब्लेंड कर ले रही हूँ, अगर थोड़ा सा भी कहीं ब्लेंड ना हुआ हो या कुछ। एंड या दिस इज़ माई फाइनल फिनिश लुक एंड आई रियली होप यू एंजॉय द वीडियो। इफ़ यू डिड प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड जिसके लिए भी ये हेल्पफुल हो, एंड उनको भी बोलो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। एंड इफ़ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल सो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग, एंड ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो योर थाट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो, और आपको क्या वीडियो देखना है आगे वो भी कमेंट में बताइएगा सो दैट इट कैन बी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। एंड या दैट्स दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।